दरिया होगा दरिया भरतकुंड नगर था। आज मैं किस्मत के मारे एक योगी फकीर बनकर जंगल में तपस्या करता हूं। मेरा नाम राजा भरथरी था, आज नाम मेरा योगी भरथरी है। योगी के रूप में तपस्या करके इस तपोवन जंगल में मैंने अपना जीवन को बिताया था। जब मैं राजा था तो अपनी बहन मैनावती को राजस्थान जूनागढ़ में मैं धूमधाम से उस महल में शादी किया और 12 वर्ष बसने के बाद मैनावती को एक भी संतान पैदा नहीं हुई थी। क्या 12 वर्ष मैंने तपस्या किया, बहन मैनावती को मालूम हुआ कि मेरा भैया राजा भरथरी उत्तराखंड शिकार खेलने गया, वह योगी फकीर बन गया और तपस्या करता है तपोवन में। वह बिलखती हुई रोती हुई मेरे कुटिया पे आया और कहा, भैया मैं 12 वर्ष बसने के बाद मुझे एक भी संतान नहीं हुआ। 14 वर्ष की रात जूनागढ़ है, हाथी हमसार है, घोड़ा घोड़सार है, मुझे धन दौलत से कोई कमी नहीं है, लेकिन सब बेकार है। मेरे दया आया कि बहन तुम रो मत, मैं तुम्हें प्रदान देता हूं। तुमने एक पुत्र मांगा है लेकिन मैंने तुम्हें दो देता हूं। उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई, लेकिन 12 वर्ष पूरे के बाद वह बेटा बेटी की लालच में मैंने अवधि कबूल किया था कि भैया अगर मैं पुत्रवान हो जाऊंगे तो मैं अपने बेटा को सेवा करने के लिए अवश्य आपको कुटिया पे भेजूंगी। लेकिन अभी तक वह मैनावती अपने भैया को भूल गया, अपने वचन वक्त हुआ था वो अभी भूल गई। मैंने अपनी माया को जाल खिलाया तो भरत गोपी चंद को शादी हो गया, पौना हो गया। जब मैं गाना की सुना कि गाना हो गया तो मैंने अपनी माया की जाल से सास मृगनयनी को पैदा किया।
उसने एक पति काला मिर्गा को पैदा किया और उस बीजू वन जंगल में भेजा। मैंने ही राजा गोपी चंद को निशीभाग रात में मैंने सरसा दिया शिकार खेलने का। वह एक न एक दिन मेरे कुटिया पे अवश्य आएगा, क्योंकि मैंने वचन दिया हो और मायनावती भी वचन दी है कि भैया मैं एक ना एक दिन आपको अपने पिता को चेला बनने के लिए अवश्य भेजूंगी। तो आज तक मैं आसरा देखता हूं इस तपोवन में, लेकिन अभी तक भक्त गोपी चंद अभी तक मेरी कुटिया पे नहीं आया है। तो मैं चलता हूं इस जंगल में भ्रमण करता हूं और मैं चेला को, संतों का नियम होता है कि चेला को ज्ञान देना शिक्षा देना, इसलिए मैं एक चेला को ढूंढता हूं, कहीं मिल गया तो उसे कुछ ज्ञान देकर इस जंगल में भ्रमण करूंगा। अरे कोई चेला बनने वाला रामदास बच्चा है रे? क्या हाँ दादा? अरे मैं साधु हूँ। साधु एगो आता घर छोड़ के भागल जाए छे तो जाए छो घर पर। अरे साधु नहीं महात्मा, कहते दिन बताया क्या जात छे हमहू छे जात कतमा। कैसा पागल साध दर्शन हो गया। मैं कहता हूँ महात्मा तो कहता है जात के कतमा। अरे बाबा जी का मतलब समझता है? आओ बुझबै नय नक्सली छो बमबाजी करना भूले छो। यहूदा कहीं का बमबाजी नहीं, संत महात्मा जानते हो। हाँ भंडारार में पपैया बाबा। हाँ बाहरी बाबा रे चेला बनेगा? चूल्हे वाला नहीं, हमारे साथ में रहोगे, झोला का मंडल टांगोगे, अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। हाँ बाबा बाबा हमरा न सुतल न जागल चैन न होइ छ बहु मारे छ कहलिए अब हम जाइ छी बाबा जी आ देबे। दू बेर बाबा जी बन लिए बाबा घाटा लाग गेलै बस छोड़ देलिए। ठीक है चेला बनेगा क्या क्या छोड़ना होगा जानते हो? कौन कौन सी बाबा? नगर समाज बाल बच्चा माँ बाप सबको छोड़ना होगा। माय बाप बुढ़ाइए गले बाल बच्चा जे हो रहे जवान भव गले अब कौन जा रौली हुआ। घर वाली को भी छोड़ना होगा। अरे बाबा आओ बाबा। घर वाले तो छोड़ देबे माघ महीना। रे बेहुदा माघ महीना धोनी का माता है, जो भी महात्मा धोनी का माता बैठता है बाबा धोनी में घुसिया देबे। देखो धोनी के पास बैठोगे तुम्हें ठंडा नहीं लगेगा। ये क्या है बाबा? कहलिए बाबा जी बनबे कम्बल रखे थे बाबा जी और ले ले छे एगो कम्बल। कम्बल है दिखाओ तो। रे पागल रे बेहुदा, तुम्हारे घर वाली को घंगरी है तो पता कम्बल है? बाबा मुंड खराब रहे गोसा पिता पर रेस उठ ले लग चल दलिए काले हो ना गुस्सा होगा तो वो दिखाई नहीं देता था कि घंगरी भी कम्बल है। गोसा लखा दे छे बाबा काले लौका कम्बल छे ले ले छे। इसको हटाओ इधर आ इधर छोड़ बीमारी रहता है इसे तब है जा दे छे। देखो चेला बनेगा तो गुरु मंत्र सीख लो उसके बाद चेला बन जाओगे। हाँ बाबा चलो बैठो बैठो बैठो। रे 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 उस तरह बैठता है आप बाबा जी आ गए कहूं तो पक्षी पार कर बैठो। ये हम अपना तरफ आई तरह तरफ घुसिए नहीं तुम अपने तरफ बैठो। देखो अब गुरु मंत्र एक ही गुरु मंत्र है। अच्छा सीख जाओगे चेला बन जाओगे। मंगल
तरफ अवध जा रहा, तू क्या कह रहे बंद गला दारू और पिया बाबा तारी, ये कौन सा चौपाई में लिखा है? बात मानिए रामायण पढ़ लो कहीं। देखो मुझे ही कहता तू कौन कौन रामायण पढ़ा है? हमें अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड बोलो ना। लंका कांड। रे बेहूदा, लंका कांड है श्री राम चरित्र मानस में। राम चरित्र, अरे राम चरित्र मानस बोलो। राम चरित्र सुगर कांड, किंडर कांड। वैसे 2 किलोमीटर आगा देवो तो कुकरम कांड। कैसा तीर मुख है, तुम हमसे ज्यादा भजन कीर्तन जानता। तो हमारा देसी सत्संग क्या क्या जानते हो सुनाओ तो। हमें रामानंदी कबीर पंथू, कबीर पंथी बोलो। हाँ सुनाओ तो कैसा है तुम्हारा भजन चौपाय। कबीर पंथी सुनवा बाबा। हाँ हाँ हाँ। अटारी दारू बंद जला, अटारी दारू बंद जला, ताई पखारू रंग सो जहिया निर्बल भये, कराबी खेत अब संग प्रेम सबूलिये वृंदावन द्वारे लाल। बेहूदा इसी तरह चौपाय है। संत सरोवर अगम जला, ताही पखा रहो अंग, एक ही आने निर्बल है साधु की सत्संग। अखे रामानंदी सुनो, सुनाओ। हमें पहले रहते रहिए वही वाला जान में बहन के नहीं कुछ हतंग बिजंग नारदीम। नारदीम हाँ बाबा, नारदीम रहते। सुनाओ तो भजन कैसा है तुम्हारा। इस हतन है नया बाबा। नया है संस्कृत। सुनाओ बाबा के। रे बेहूदा बाबा की नहीं, बाबा हो बोलो। बाबा हो अकबर की पतर की जय, अकबर की पतर की जय, आला तू हो बाकिया रे साई। ज्यादा कहा नारदी भजन जानते हैं, गोर की पत्थर की गे हमारी गुअरवा जरा उड़ जाए। रे बेहूदा तू कहा नारदी भजन है, ये नारदी भजन है। रे बेहूदा ये पलम परदेशी फिल्म का गाना था बाबा, चौपहरा आर मगावे रही। बेहूदा कहीं का तुम चेला बनेगा नहीं, जाओ भागो यहाँ से। बेहूदा तुम मेरा भी भंड कर देगा, हमरा पोसेबो नहीं करता। जाओ भागो, घटा लग गया तो चल 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 बेहूदा, दिमाग खराब कर देगा। अरे इसको हटाओ, कर वो नहीं इसको हटाओ। बेहूदा नहीं है भजन। चलो हमारे मास्टर साहब को कहना हुआ एक कबीर साहब का भजन गाओ तो ठीक है। मैं दूसरी अंतरा में खत्म कर दूंगा तो पूरा पाटे से। चलो चलो पाटे पाटे से। हाँ टाटे बनवा आहो या लखा आ
अरे बच्चा कौन हो, भूत हो, प्रेत हो या दानव हो या मानव, अपना परिचय सुनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, जलकर राख हो जाओगे। नहीं बाबा, क्योंकि मेरा तपस्या भंग किया है, हमें श्राप मत दीजिए। ना मैं भूत हूँ ना भूत हूँ, मैं एक मानव का बच्चा हूँ बाबा। कहाँ का रहने वाले? मेरा घर जूनागढ़ पड़ता है। क्या जूनागढ़? पिता का नाम तिलक चंद, माँ का नाम मैनावती, और तुम्हारा नाम? बहन का नाम बीरमावती। मेरा नाम राजा गोपी चंद है गुरुदेव। राजा गोपी चंद जूनागढ़ मकान है, हसार घोड़ा घुसार अंधन का कमी नहीं, फिर भी तुम जंगल में रोते हुए भुलकते हुए क्यों आया है? आधारी तो विपत्ति ना तुम्हें माता दुख दिया ना पिता ना पीड़िया, तुम्हें बताओ कि 14 कोस की रात तुम्हारा धोना गया है। एक लौटा बेटा गोपीचंद मैनावती को क्या चीज को तुम्हें कमी आया जो आज इस जंगल में भटक रहे हो और मेरे कुटिया तक आए हो? बाबा जी मैं जीवन में कभी जंगल नहीं पहुंचा था, अचानक मेरा सपना देखा। अच्छा, जो भयंकर जंगल में चलकर मैं शिकार खेल रहा हूँ, उसके बाद बड़े बड़े शिकार मार करके अपना झूना कर लाया हूँ। मेरे राज में प्रजा सब कुछ मगन है, खुशी है। इतना सोच कर मैंने अपनी माँ से छुट्टी लेकर बड़ी कठिन से मैंने छुट्टी लिया, छुट्टी दिया जंगल शिकार खेलने के वास्ते। फिर उन्होंने बताई जो बेटा गोपी चंद पूरा शिकार खेला, पश्चिम खेला, दक्षिण खेलना, परंतु उत्तराखंड मत जाना बेटा। क्या हुआ? मैंने तीनों कोना शिकार खेला परंतु एक भी शिकार हमने पाया नहीं। मैंने मर्यादा को संभालने के लिए, राजशाही राज बचाने के लिए मैंने उत्तराखंड मां को वचन को काट कर मां को वचन को काट कर हमने
उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गया। उत्तराखंड शिकार जब मैंने पहुंचा तो 700 मिर्गेरी में एक काला मिर्गा था जो कि मेरी तरकस के मारा गया। 700 मिर्गेरी ने मुझे श्राप दिया, हाथ या तार मर जाएगा और गुस्सा मर जाएगा, राजपाट में आग लग जाएगा। गोपी जान तुम तो पैर की ठोकर खाओगे। अच्छा, क्योंकि तूने सारा मिर गई ने खुद को तूने मेरी माँ को सिंदूर हारा है। एक गुरुदेव एक बाबा, हमें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए हमें मार्ग बता दीजिए। जिस तरह तुम्हें सांस तो मिल गए नहीं ने तुम्हें सलाम किया है उसी तरह मैं भी तुम्हें पैर से ठुकराऊंगा। अरे बाबा नहीं उसे तो संतान पाया, मैंने उसे प्रदान दिया कि जाओ बहन बिरवा मैनावती तुम्हें दो संतान होगा। मेरा ही वचन से तूने पैदा लिया और तुम्हारी बहन बिरवावती। उसने कबूल किया था कि भैया अगर मैं पुत्रवान हो जाऊंगी तो तुम्हें सेवा करने के लिए सेवा बनने के लिए मैं अपना बेटा को भेजूंगी। लेकिन वह धन की लालच में अपनी बेटा की लालच में बेटी की लालच में तुम्हें नहीं भेजा। तुम्हें शादी हो गया, गौना हो गया, क्या हुआ है कि नहीं? हाँ मामा जी, मैंने अपना माया की जाल से 700 मृगनयनी को पैदा किया, उसने एक पति काला मिर्गा को पैदा किया और मैंने ही भेजा था बीजू मंजन और मैंने ही तुम्हें स्वप्न दिया था। आज तूने चेला बनने के लिए यहां आया है, क्या मंजूर है? अगर तुम 700 मिर्ग नहीं तो श्राप को प्राचित कटाना चाहते हो और तुम्हारी मां पहला जो श्राप 700 मिर्ग नहीं की है और दूसरा तुम्हारी मां मुझसे प्रतिज्ञा किया था, कबूल किया था, मुझसे कर्ज लिया था। अगर उस कर्ज को चुकाना चाहते हो तो तूने मां को 32वां दूध दिया है। अगर दूध का कर्ज चुकाना चाहते हो तो मैं जो कहूंगा वो करोगे? जरूर करूंगा, क्योंकि मां और पिता के कर्ज चुकाने के लिए पुत्र का धर्म होता है। मामा जी, अगर मुझे प्राण भी देना पड़ जाए तो मैं प्राण भी दे दूंगा मां की दूध कर्ज चुकाने के लिए।
चालस भागुर। अगर तुम माँ का दूध का कर्ज चुकाना चाहते हो तो सुन ले क्या करना हो। अरे जोगिया तो जिस तरह मैंने जोगी फकीर बनकर 12 वर्ष तक भटक रहा हो उसी तरह तू भी 12 वर्ष तक गांव गांव द्वारे द्वारे भिक्षा दान करना होगा। 9 मन गुदरी, 9 मन तिल, 9 मन धूप, 9 मन घी, 9 मन तुम्हें गुदरी पर जमा करना होगा। लेकिन 3 ही परीक्षा है। क्या मेरे लिए 3 परीक्षा है? जब तुम योगी फकीर बन जाओगे तो पहला भिक्षा तुम्हें माँ के हाथ से लेना होगा। पहले तुम अपना पैर धुला कर जाओगे और अपनी माँ से भिक्षा लोगे। उसके बाद दूसरा परीक्षा है जो तुम्हारे धर्म पत्नी एक पतिव्रता नारी है, उस धर्म पत्नी के हाथ से तुमने माँ कहकर भिक्षा लेना होगा। भिक्षा दे दिया तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा। तीसरा परीक्षा है कि यमुना नदी पार चंपापुर नगर में तुम्हारे बहन वीरमावती रहती है, वीरमावती के हाथ से भिक्षा लोगे तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा।